पकड़ना और पकड़ना बहुत सिंपल होता है. इट्स वेरी सिंपल टू कैच एनी मिस्टेक एनी फ्रॉड. इट्स वेरी सिंपल. द प्रॉब्लम इज नोबडी डज दैट. एवरीवन टर्न्स अ ब्लाइंड आई. ओके, इसीलिए 80-85% ऑफ द कंपनी जो आपको अकाउंट्स दिखते हैं सभी के वेबसाइट पे, बीएससी एनएससी के वेबसाइट पे या फिर moneycontrol.com पे, दे आर tempered in some or the other way. They are not showing you the true and fair view of the business. Is this clear? तो trust करने लायक पूरा का पूरा data trustworthy नहीं होता. Take a tip. इसके लिए take every quantitative data with a pinch of salt. Okay? तो पूरा पिक्चर का बिजनेस का 360 डिग्री व्यू होना जरूरी है. उसके बाद इफ यू आर डैम कॉन्फिडेंट, दैट्स व्हाई आई टेल यू टू अवॉइड इंडिविजुअल कंपनीज स्टॉक. ओके, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. नाउ कमिंग बैक टू दिस, यहां पे किसी को डाउट यहां तक समझ में आया? पहला एरर, हाँ हा एक्सपेंस नहीं आया ऐसे अच्छे पैसा दीदा पर लॉन्ग टर्म चाहिए ना एक बार. See, if you don't know right, how will you rectify? Right, बताओ ना, आपको लगेगा दोनों expensive तो है, दोनों expense थोड़ी है, एक asset है. अरे पैसा जाएगा पर ऐसे काम हो जाए ना, दस वर्ष सुधी थोड़ा थोड़ा depreciation करने expense में आ गए. Matching concept. To find out profit, you take only incomes and expenses. Don't consider assets. But company का growth, अरे company का जो valuation है वो घट नहीं जाता है. I'll give you one more example now. Listen, ये companies कब करती है? जब उसको tax बचाना हो तब. और एक इसके बीच अंदर एक criminal intention होता है. क्या होता है? Promoters और जो owners है कंपनी के, majority shareholder जैसे मुकेश अंबानी, बिरला, टाटा तो बहुत एथिकल है, तो इनको पता है कि कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करने वाली है, प्रॉफिट करने वाली है, लेकिन अभी शेयर प्राइस को थोड़ा लो रखना है. तो अभी वो लोग प्रॉफिट्स को कम रखेंगे और खुद ज्यादा से ज्यादा शेयर्स अक्यूमुलेट कर लेंगे. फिर एक बार खुद ने अक्यूमुलेट कर लिया, फिर तो सब बोलेंगे रेक्टिफिकेशन है, ये है वो है, अकाउंट्स में मिस्टेक था, और खट करके प्रॉफिट बढ़ा लेंगे. तो शेयर होल्डर की आंखें चार, बोले अरे वाह इतना सारा प्रॉफिट कर दिया, चलो खरीदो शेयर. जब वो लोग खरीदेंगे और पुशअप करेंगे, ये लोग बेच के. So that's how these promoters and individual जो owners होते हैं company के, they make huge money. अभी now another example where artificially they want to boost the price of the share. Share price को बढ़ाते ही कैसे बढ़ाओगे आप? Share price कैसे बढ़ेगा अगर company का profit बढ़ेगा? तो इसी का opposite example, आपने pay किए salaries, से salary को छोड़ो, आपके कंपनी में 1000 एयर कंडीशनर्स हैं, सब ऑफिस फैक्ट्री सब मिला के. उन 1000 एयर कंडीशनर का रिपेयर का खर्चा आया है समझो 20 लाख रुपए. एक्चुअली वो तो एक्सपेंस है, तो एंट्री होनी चाहिए क्या? रिपेयर टू कैश या बैंक 20 लाख. आपको ये खर्चे अभी कम दिखाने हैं, शेयर प्राइस को थोड़ा बढ़ा के दिखाना है. कोई नया आपके ग्रुप कंपनी का आईपीओ आने वाला होगा, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट का कुछ टेंडर वेंडर भरा हुआ है, तो कंपनी का नाम थोड़ा ऊपर रखना है. आप क्या कर दोगे? इसको बना दोगे एयर कंडीशनर टू कैश. आप बोलोगे मैंने 20 लाख के एसी खरीदे हुए. क्या खरीदे हुए? एयर कंडीशनर खरीद के रखे हुए. हुआ क्या? आपने एक्सपेंस को क्या बता दिया? एसेट. एसेट जाएगा आपका बैलेंस शीट में, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस को इंपैक्ट करने वाला नहीं. प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होता है? इनकम माइनस एक्सपेंस. तो एक्सपेंस में ये साला एक्सपेंस है ही नहीं, ये तो बन गया है एसेट. ये तो बन गया है एसेट. एक्सपेंस कम हो गया, एक्सपेंस कम हो गया तो प्रॉफिट्स विल इंक्रीज, योर शेयर प्राइस विल गो अप टेम्पररी. फिर अगर आपकी बदनसीबी हुई और किसी इनकम टैक्स वाले से छेड़खानी कर दी है या गवर्नमेंट वाले से नड़ी कर दी है, उसने स्क्रूटिनी डाली, उसने चेक किया, फिर भोपाड़ा बाहर निकला.
रोज पैसा खिला के सब काम हो जाता ओके फिर भी द सिचुएशन इज स्टिल फार मोर बेटर एज इट वॉज 20-25 ईयर्स बैक काफी सुधार हो रहा है बट स्टिल एज आई टोल्ड यू 80-85% कंपनीज आर स्टिल डूइंग दिस ग्रोथ ओके सो क्लियर विद एरर ऑफ प्रिंसिपल व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल मिक्सअप ऑफ लॉन्ग टर्म आइटम्स विद एसेट और लाइबिलिटी को हमने मिक्स कर दिया विद इनकम एंड एक्सपेंस ये इतना क्रूशियल एरर क्यों है क्योंकि सीधा आपका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों को इफेक्ट करता है आपका प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट कम बैलेंस शीट कम या प्रॉफिट ज्यादा बैलेंस शीट बढ़ा देता है आपके बिजनेस को ग्लोरिफाई कर देता है या आपके बिजनेस को स्क्वीज कर देता है तो आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है बिजनेस का परसेप्शन इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर इट चेंजेस इमीडिएटली दैट इज द ब्यूटी ऑफ अकाउंटिंग इफ यू नो इट इनसाइड आउट यू कैन डू ऑल द झोल झपाटा व्हेन यू आर इन दैट अकाउंटिंग पोजीशन इन द कंपनी ओके नेक्स्ट वन क्लेरिकल एरर दिस इज व्हाट हैपेंड विद दैट एनरॉन वाला एग्जांपल मैंने दिया था ना आपको एनरॉन बिगेस्ट स्कैम इन यूएस हिस्ट्री पिक्चर भी बोला था आपने एनरॉन द स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम जब ऑनलाइन लेक्चर चल रहे थे जर्नल वाले तब बताए सो एनरॉन द स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे यूट्यूब पे भी आ चुका है आई थिंक फ्रीली अवेलेबल है उसमें उसने क्या किया आपको कोई भी इनकम आती है ना बिजनेस में तो एक्चुअली वो इनकम तभी रिकॉर्ड करनी चाहिए जब वो जेन्युइन हो मतलब आपने माल बेचा है या सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनकम जनरेट हो गई है अब मैं क्लास चलाता हूं तो मेरी इनकम मैं तभी दिखाऊंगा जब स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया फीस भर दी है तो दैट्स माय इनकम अभी कोई स्टूडेंट बोला है मुझे लेना है मैं आऊंगा तो दैट्स नॉट माय इनकम दैट्स स्टिल अनसर्टेन आर यू गेटिंग दैट So same way companies also can record the incomes only when it is certain. Otherwise they can't. But Enron ने क्या किया share price का झोल झपाटा करने के लिए अगले 10 सालों की इनकम अभी से दिखानी चालू फ्यूचर 10 साल के अग्रीमेंट्स बने हैं कि हम आपको धंधा देंगे हम आपको बिजनेस देंगे ये फलाना डिमका और वो इनकम्स दिखाने शेयर प्राइस वेंट फ्रॉम $10-$12 टू $9,500 और फिर भोपाड़ा बाहर निकला स्क्रूटिनी हुई ये चल रहा था 4-5 सालों तक चल रहा था फिर पता चला कि ये सब तो साला फेक इनकम है ये तो इनकम हुआ ही नहीं है एक दिन में द प्राइस वेंट 90% डाउन सीधा $5-6 हो गया था सीधा $95 से $6 विद इन वन डे जो 4 साल में बढ़ा था एक दिन में ऐसा हो गया सत्यम का ऐसा स्कैम हुआ था सत्यम वाला बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश बता रहा था वो जो कमा रहा था ना 2009 लेमन से पहले सत्यम वाज लेमन से पहले 2008-09 आसपास वो भाई क्या कर रहा था 3-4 सालों से बहुत अच्छी कंपनी थी आईटी वाली कंपनी थी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे पैसा मिलता था कैश टू इनकम कैश आ ही रहा था बुक्स में उस भाई को तभी मन हुआ कि चलो रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत जगह का भाव बढ़ रहा है इन्वेस्ट करते हैं और फिर प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी बेच के वापस लेके आएंगे बिजनेस में कैश तो बुक्स एंट्री में कैश दिख रहा है लेकिन पीछे से कैश निकालते गया फिजिकल कैश निकालते गया और प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने लगा और फिर हुआ सबप्राइम क्राइसिस का स्कैम 2008-09 तभी जगह के भाव सब क्रैश हो गए तो उसके जो पैसे लगाए हुए थे 50-50 लाख करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ सब जगह का वैल्यू घटते गया और उसको लॉस बुक करके जगह बेचनी पड़ी उससे हुआ क्या 4000 करोड़ रुपया जो बुक्स में दिख रहा है कैश है लेकिन एक्चुअली था ही नहीं 300 करोड़ जितना था 4500 करोड़ के जगह खाली कितना था 300 करोड़ और वो बाद में सब कल्याण होने के बाद उसने बोला कि भाई ये मिस्टेक हो गया है मैंने निकाल लिए थे पैसे बताए नहीं थे और पब्लिक सीएनबीसी सबको इंटरव्यू में दे दिया वो एक दिन में शेयर प्राइस वेंट फ्रॉम 100-110 टू 12 रुपीज 11 ऐसा गिरा
दैट वॉज सत्यम का. ऐसे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनिपुलेशन की वजह से बहुत सारे कांड हो चुके हैं, अभी बहुत कम हो रहे हैं थैंक्स टू दीज स्कैंडल्स के पब्लिक की आंखें खुल गई. अभी भी होते हैं, अभी भी खत्म नहीं हुए, अभी भी हो रहे हैं. 4,000 से ज्यादा स्क्रिप्ट है, तो एक स्क्रिप्ट 4,000 नहीं, देयर आर 15,000 कंपनीज लिस्टेड इन बीएससी एंड एनएससी. 15,000 से ज्यादा कंपनीज है, तो ऐसे स्कैंडल्स होते ही रहते. बड़े लेवल पे अभी तक कम आ रहा है, बट होते रहते छोटे लेवल. देन दिस वॉज एरर ऑफ प्रिंसिपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर. हाउ डू यू रिकॉग्नाइज एरर ऑफ प्रिंसिपल व्हेन यू मिक्स अप लॉन्ग टर्म आइटम विथ योर शॉर्ट टर्म एसेट लाइबिलिटी विथ योर इनकम. नाउ वी कम टू क्लेरिकल एरर्स. व्हाट आर क्लेरिकल? नाम में लिखा हुआ है, छोटा है, छोटे आदमी का है. ओके, जानबूझ के क्या, वो बड़ा सा फ्रॉड नहीं है, इट्स अ स्मॉल एरर, सिली एरर. वी कॉल इट सिली एरर, सिली मिस्टेक. फर्स्ट वन इज एरर ऑफ ओमिशन. प्लीज डोंट टॉक. वॉट इज एरर ऑफ ओमिशन? नाउ नाम में लिखा हुआ ओमिशन, भूल गए. क्या किया? भूल गया. देर आर टू टाइप्स ऑफ ओमिशन. प्लीज डोंट टॉक. कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन. कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन. वॉट इज कंप्लीट ओमिशन? पूरी की पूरी जर्नल एंट्री भूल गए, की ही नहीं रिकॉर्ड. से फॉर एग्जाम्पल, करना था मशीनरी टू कैश 50,000, उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए. ना मशीन में लिखा, ना कैश, ना डेबिट इफेक्ट, ना क्रेडिट इफेक्ट. कंप्लीट ओमिशन, पूरा एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए. तो उसको कैसे रेक्टिफाई करने का? लिख दो मशीनरी टू कैश, मशीनरी टू कैश, कोई रिकॉर्ड करना है. कैसे करना है सब मैं बताता हूं, फिलहाल कॉन्सेंट्रेट ऑन डिफरेंट टाइप्स. ओमिशन कंप्लीट समझा, द डेबिट है ना, भूल गए, किया ही नहीं रिकॉर्ड. वॉट इज पार्शियल ओमिशन? कैन यू टेक अ गेस? जीएसटी लेना, मेंशन करना रह गया, या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे उसमें, या सेट पे कंपाउंड एंट्री में कुछ भूल गए. कंपाउंड नहीं, सिंपल एंट्री में भी पॉसिबल है. अरे भाई, पार्शियल ओमिशन मतलब डेबिट दिया क्रेडिट नहीं दिया, या क्रेडिट दिया डेबिट. आपको करना था मशीनरी टू कैश, कैश में लिखा बाय मशीनरी, मशीनरी में टू कैश लिखा ही. करना था मशीनरी टू कैश, आपने क्या किया? खाली टू कैश. टू कैश मतलब कैश में लिख दिया बाय मशीन. पोस्ट करते हो ना, कैश में लिख दिया बाय मशीन, मशीन में कैश लिखा ही नहीं, डेबिट दिया ही नहीं. तो डेबिट नहीं दिया या फिर क्रेडिट नहीं दिया, एक जगह खाली रह गई. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? पार्शियल ओमिशन. बैलेंस नहीं होगा ये एंट्री, तो ट्रायल बैलेंस भी टैली नहीं होगा. और आपको मैंने याद है बताया था, कभी कभी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है ड्यू टू मिस्टेक्स, तो उसको जबरदस्ती एक अकाउंट की मदद से आप टैली करते हो. हम लोग ये चैप्टर में डिटेल में जाएंगे सस्पेंस अकाउंट. ओके, तो जब आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? ये आपके कांड के वजह से नहीं होता है, वो तो अच्छा है, आपने ही लोचा मारा है. डेबिट नहीं दिया क्रेडिट दे दिया, क्रेडिट नहीं दिया डेबिट दे दिया, तो देयर विल बी एन इम्बैलेंस. इधर डैश रह गया, इधर कुछ है ही नहीं, ये खाली है, खाली क्रेडिट में. ऐसे एंट्री लिखी नहीं है, पोस्ट की है. एंट्री लिखी होगी आपने मशीनरी टू कैश, बट जब पोस्टिंग करने गए तो मशीनरी में टू कैश लिखना, कैश में बाय मशीनरी आपने लिखा. और ट्रायल बैलेंस कहां से बनता है? लेजर से बनता है, तो लेजर में ही गलत है, तो ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा. गेटिंग दैट? हाँ, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन का आंसर दिया यहाँ पे. कंप्यूटराइज्ड में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एंट्री कर, टैली का कोर्स करोगे, आगे करना जरूर, ट्वेल्थ में करना या फिर ट्वेल्थ के बाद करना. टैली का कोर्स करोगे ना, आपको पता चलेगा, आप जब तक कंप्यूटर में डेबिट क्रेडिट दोनों डालते नहीं हो, वो एक्सेप्ट करता नहीं. तो ये एरर कंप्यूटर में पॉसिबल नहीं, मैन्युअली पॉसिबल. समझ में आया? कंप्लीट एंड पार्शियल ओमिशंस. हम लोग कंपाउंड एंट्री की बात कर रहे थे, कंपाउंड एंट्री में कोई छूट गया तो वो भी पार्शियल, एक डेबिट या एक क्रेडिट छूट गया तो पार्शियल ओमिशन. नहीं, मतलब अगर तीन डेबिट है एक क्रेडिट है, उसे परचेस वाला, परचेस जीएसटी और टू कैश, उसमें अगर जीएसटी भूल गए एक कोई भी डेबिट में भूल गया, एक कोई भी क्रेडिट में भूल गया, पार्शियल. कंप्लीट मतलब पूरा,
ना डेबिट है ना क्रेडिट है, खाली वैक्यूम, नो एंट्री एट ऑल, दैट्स कंप्लीट। सॉरी आता हूं उस पर। कंप्लीट ओमिशन मतलब पूरा एंट्री खा गए, पार्शियल ओमिशन मतलब डेबिट या क्रेडिट खा गए, डेबिट खा गए या क्रेडिट खा गए, किया ही नहीं, दैट्स ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन, दिस इज द लास्ट वन, कॉम्पेंसेटिंग इज नॉट अ टाइप ओनली, वेरी सिंपल इट इज। देखो व्हाट इज एरर ऑफ कमीशन, किया यहां पे तो किया ही नहीं, यहां पे किया लेकिन गलत किया, यू डिड बट यू डिड रॉन्ग, किया लेकिन गलत किया, दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन। कमीशन किया लेकिन गलत, सर ये भी तो किया लेकिन गलत, हाँ लेकिन यहां पे क्या पेक्यूलरिटी है, इट शुड बी अ मिक्सअप ऑफ लॉन्ग टर्म विद शॉर्ट टर्म, यहां पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का मिक्सअप नहीं। तो बेसिकली यू कैन कंक्लूड लाइक दिस, के ऑल द टाइप्स ऑफ एरर्स, किया लेकिन गलत किया, आर एरर्स ऑफ कमीशन ओनली, इट शुड जस्ट नॉट हैव दिस मिक्सअप। अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का मिक्सअप नहीं है तो सब के सब एरर्स आर कॉल्ड एरर्स ऑफ कमीशन, क्योंकि ओमिशन में तो क्या भूल ही गए, किया ही नहीं है, आउट ऑफ क्वेश्चन, किया लेकिन गलत किया। इसके तीन प्रकार होते हैं, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट एंड रॉन्ग साइड। रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड। आई टेक यू टेक एन एग्जांपल, रॉन्ग अमाउंट, आपने करना था मशीनरी टू कैश, कितना करना था 50,000, आपने लिख दिया मशीनरी टू कैश, दिस इज रॉन्ग अमाउंट, किया लेकिन गलत किया, समझ में आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है, या फिर मशीनरी में 5 लिखा, कैश में 50 लिखा, दिस इज ऑल्सो एरर ऑफ कमीशन। You did, you did not forget, you did, but you did wrong. Let me explain, then I took it out. Wrong account, look at the board. Wrong account, आपको करना था मशीनरी टू कैश 50,000, आपने कर दिया फर्नीचर टू कैश 50,000, this is wrong account, wrong अकाउंट। फर्नीचर मशीनरी का कर दिया फर्नीचर, बट इज इट अ मिक्सअप ऑफ लॉन्ग टर्म विथ शॉर्ट टर्म, नो, इफ इट वॉज अ मिक्सअप ऑफ लॉन्ग टर्म विथ शॉर्ट टर्म वी वुड हैव कंक्लूडेड इट इज प्रिंसिपल। अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं है तो इट बिकम्स, मतलब लॉन्ग टर्म में खेल रहे हो, शॉर्ट टर्म में खेल रहे हो, दैट इज एरर ऑफ कमीशन, कि दैट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट योर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड योर बैलेंस शीट रिजल्ट साइमल्टेनियसली। What it? So furniture के जगह machine, machine के जगह furniture, rent के जगह salary, salary के जगह rent, both are expense only. But wrong account, wrong account. Profits loss तो वही आने वाला है, एक खर्चे के जगह दूसरा खर्चा दिखा दिया, that is all called as error of commission. पहला वाला क्या बोला, wrong amount, समझ में आया, amount गलत, wrong account. Wrong account में ये भी होना चाहिए, इसको छोड़ के जो भी रॉन्ग अकाउंट है सब एरर्स ऑफ कमीशन। तीसरा है रॉन्ग साइड, व्हाट इज रॉन्ग साइड, देखो आपको लिखना था ये मशीनरी टू कैश 50,000, आपने या तो कर दिया कैश टू मशीनरी, रॉन्ग साइड, आपने कर दिया कैश टू मशीन, इसका मतलब क्या है, मशीन बेचा, हाँ मतलब मशीन को डेबिट करने के बदले क्रेडिट, कैश को क्रेडिट करने के बदले डेबिट, ये हो सकता है रॉन्ग साइड, या फिर आपने दोनों को डेबिट दे दिया, ये भी होगा, मतलब मशीन के डेबिट में टू कैश और कैश में बाय मशीन लिखना था ना टू मशीन, आप खुद करते थे लेजर बनाते हो, आपको एंट्री दी गई है सपोज परचेज टू कैश, तो परचेज में टू कैश और कैश में बाय परचेज, आपने लोचा मार दिया परचेज में टू कैश, कैश में भी टू पर, तो दोनों को डेबिट कर दिया, दोनों को डेबिट या दोनों को क्रेडिट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग रॉन्ग साइड, ये किया है ना, यू हैव डन इट बट यू हैव डन इट रॉन्ग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कमिटेड। कमिटेड मतलब किया लेकिन गलत, वंस अगेन
What is error of principle? Long term with short. Asset liability with income expense. Easy to recognize. That's called error of principle. What is omission? किया है, भूल गए, खा गए. या तो complete omission, forgot the debit as well as credit, या तो partial omission. Debit दिया, credit नहीं दिया, credit दिया, debit दिया ही नहीं. So that is omission. Commission मतलब किया, but wrong किया. Maybe due to wrong amount, wrong account, or wrong side. But remember, it should not be a mix-up of long and short. If it is a mix-up of long and short, is this clear? Yes. The last one is a compensating error. Compensating error का मतलब होता है, ये एक error नहीं है, ये कोई particular type भी नहीं है, ऐसी बना के रख दिया showpiece, कभी कोई पूछता नहीं है इसको. These are two errors, खाली meaning के लिए. दो error होंगे, दो error, twin error. Such that their debits and credits are nullified. एक दूसरे को compensate कर देते हैं. I'll give you an example. आपको लिखना था machinery to cash 50,000. आपने खाली cash में लिखा 50, machine में 50 नहीं लिखा. This is partial omission. Yes. Cash में लिखा 50, machine में 50 नहीं लिखा. तो इससे क्या होगा? Debit कम हो जाएगा 50 से. क्योंकि आपने मशीन में नहीं लिखा हुआ है डेबिट साइड पे. अभी एक और एरर ले लेते हैं, एक और एरर ले लेते हैं. लेटस से आपने गुड्स बेचे हैं 60,000 रुपीज. व्हाट इज द एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड फॉर 60,000? कैश टू सेल्स कितना लिखना था? 60,000 लिखना था. आपने कैश में लिखा है 60, सेल्स में लिखा है 10. कैश में लिखा है 60, सेल्स में लिखा है 10. व्हाट टाइप ऑफ एरर इज दिस इन आइसोलेशन? ये okay, ये जैसे पार्शियल ओमिशन है, ये कमीशन है रॉन्ग अमाउंट वाला. अब ये पार्शियल ओमिशन है, ये कमीशन है, ये दोनों अपने अपने टाइप के एरर हैं. इन दोनों को साथ में देखो आप, साथ में तो क्या हुआ, इसका डेबिट कम हो गया 50,000 से और इसका क्रेडिट कम हो गया कितने से? 50,000. तो ट्रायल बैलेंस विल टैली. ट्रायल बैलेंस खाली क्या चेक करता है? एरिथमेटिकल एक्यूरेसी. डेबिट में 50 कम, क्रेडिट में 50 कम, टैली हो जाएगा. तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज कॉम्पेंसेटिंग एरर. एक दूसरे को क्या करते हैं? नलिफाई कर देते. प्रैक्टिकली एरर होना बहुत रेयर चीज है. एग्जैक्ट वही अमाउंट का लोचा डेबिट और क्रेडिट में होना इज अ वेरी वेरी लैक में एक फिनोमेना. इज दिस क्लियर? ऑब्वियसली ये राउंड फिगर है. प्रैक्टिकली तो दो दो तीन तीन पांच पांच दस दस रुपए के एंड के फिगर्स के ट्रांजैक्शन होते हैं. 3,532, 4,764, वो थोड़ी सेम होने वाला है. इज दिस क्लियर? सो व्हाट आर कॉम्पेंसेटिंग एरर्स? दे आर नॉट अ टाइप, दे कैन बी एनी टू एरर्स. दे कैन बी